बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप? आई होप कि आप खैरियत से होंगे। तो व्यूअर, आज मैं ब्रेकफास्ट बनाने लगी हूँ जो कि बहुत ही मज़े का बनने वाला है। तो आप शुरू से लेके आखिर तक तो वीडियो देखें ताकि आपको पता चले। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो व्यूअर, हम सबसे पहले हम पराठे बना लेते हैं, सारे जो है बेल के रख देते हैं, तो उसके बाद हम पराठे बनाते हैं। बहुत ही मज़े के पराठे ये बनने वाले हैं। तो व्यूअर, रोटी जो है वो बेल लेते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा थोड़ा इसको साथ खुशका जो है वो लगाते हैं ताकि रोटी बेलने में हमें प्रॉब्लम ना बने, क्योंकि हमने रोटी को बिल्कुल पतला करके बेलना है। इसको हम घी लगाएंगे, देसी घी मैं लगाने लगी हूँ, देसी घी वाले पराठे बनाऊंगी। किनारे तक हम लगाएंगे घी को ताकि हमारा सारा पराठा जो है वो क्रिस्पी बने और मज़े का बने। इसके ऊपर आप थोड़ा सा हम जो है वो आटा लगा लेंगे इसको छान के ऐसे, इससे पराठा जो है बहुत ही मज़ेदार, क्रिस्पी और सॉफ्ट बनता है। फिर आप इसकी कटिंग कर लेंगे। फिर आप इसको हम जो है वो इकट्ठा कर लेंगे, दोबारा से इसका पेड़ा बनाएंगे। ऐसे इसको इकट्ठा करके तो थोड़ा सा हम इसको जो है वो लंबा कर लेंगे और इसका यानी कि बनाते जाएंगे इसको। ऐसे ही हम सारे पेड़े जो पहले बना लेते हैं, ये सारे हमने पेड़े बना दिए, इनको हम थोड़ी देर के लिए रखेंगे। ऐसे दांत इसको रखते हैं। तो भी भाई, ये हमने थोड़ा सा इसको ग्रीस कर लिया, तो ऐसे हाथों में भी थोड़ा सा जो है वो घी लगा लिया। इसको हाथों से ही हमने इसको करना है, बेलना है, हमने बेलना नहीं डालना है, क्योंकि बेलने से जो है वो जो हमने लच्छेदार पराठा बनाया है इसके लच्छे टूट जाएंगे। ऐसे ही हाथों की मदद से इसको जो है वो बड़ा कर देंगे। इसको हम थोड़ा घी जो लगाएंगे थोड़ा थोड़ा करके दोनों साइडों पे लगाएंगे। फिर माशाल्लाह देखें, पराठा बहुत अच्छा और बहुत क्रिस्पी बना है। पराठा तैयार हो गया, अब आप इसको उतार के
देखिए व्यूअर, इसका एक एक लच्छा जो है वो लग हो गया है। ये देखिए दिखाती हूँ, ये देखिए सारा अंदर तक जो है वो क्रिस्पी बन गए। इसकी साइड चेंज कर देते हैं, घी लगा रही है थोड़ा थोड़ा यार लगा देते हैं। और अब एग बनाने लगी हूँ मैं, तो भी बस सारे हम एग जो है वो बनाएंगे फ्राई। नमक डालेंगे, चालू करेंगे तो फिर इसकी साइड चेंज कर देते हैं। इसे भी चॉप कर लेते हैं, एग हमारा तैयार हो गया। तो माशाल्लाह व्यूअर, हमारे पराठे भी तैयार हो गए हैं और एग भी तैयार हो गए हैं। माशाल्लाह देखें आप व्यूअर, ये देखें अंदर तक जो है वो क्रिस्पी बना पराठा हमारा। इसी तरह हमने दूसरा जो है इससे ज़्यादा जो है वो मज़े का बनाया है। तो देखें देखिए अंदर तक जो है ना वो सारा जो है वो माशाल्लाह इतना मज़े का बना है, क्रिस्पी बना है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी है, उम्मीद करती हूँ कि पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखें, बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।